मत सके रे तू। आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। शुरुआती तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला ने चौथे दिन तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और फिल्म के चौथे दिन के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों दिनों से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोला के शुरुआती चार दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने हिंदुस्तान से कितनी कमाई की और दुनिया भर से फिल्म का टोटल कलेक्शन कितने करोड़ का हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि भोला फिल्म अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या सुपर फ्लॉप। तो दोस्तों, जहां एक तरफ बॉलीवुड के बाकी हीरो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म देने के लिए तरस रहे हैं, वही दूसरी तरफ अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक सुपर हिट फिल्मों की लाइन लगा रहे हैं। पिछले साल जहां उन्होंने दृश्यम 2 जैसी एक 300 करोड़ की फिल्म दी थी, वही इस साल भोला से भी उन्होंने नए साल की शुरुआत दमदार तरीके से कर ली है। क्योंकि दोस्तों, भोला फिल्म का एक्शन इतना जबरदस्त है कि यह फिल्म ऑडियंस को, खास करके मास ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है और उसी के चलते फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैं वो दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म ने गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीन दिनों तक तो फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन किया था, लेकिन चौथा दिन यानी कि रविवार आते ही फिल्म के कलेक्शन में जो उछाल देखने को मिला वो पूरी तरह से कमाल का रहा। जी हां दोस्तों, 100 करोड़ के बजट में बनी फिल्म भोला, जिस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, अमला पोल और दीपक डोबरियाल नजर आ रहे हैं। फिल्म का बजट तो 100 करोड़ रुपए है, लेकिन इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया था और फिल्म 2D, 3D और 4D IMAX में रिलीज हुई थी। फिल्म की 2D की टिकट रेट तो फिर भी नॉर्मल थी, लेकिन 4D और IMAX में फिल्म के जो टिकट रेट से वो काफी ज्यादा है और महंगी टिकट होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन भी ज्यादा रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर रिलीज हुई भोला फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए की शानदार कमाई कर ली थी। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने शुरुआती तीन दिनों में यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीन दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 30 करोड़ 60 लाख रुपए का किया था। बात करें फिल्म के चौथे दिन यानी कि आज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों चौथे दिन है संडे यानी कि छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन फैमिली ऑडियंस की पहली पसंद है भोला और इस समय भोला फिल्म की जो चौथे दिन के मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन से कहीं ज़्यादा है। वही दोस्तों, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो भी काफ़ी ताबड़तोड़ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन भोला फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो ही 7 करोड़ की हो चुकी थी। हालांकि बात करें चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो भोला फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 15 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, भोला फिल्म का शुरुआती चार दिनों में जो टोटल कलेक्शन होता है वो इंडिया नेट हो रहा है 46 करोड़ 10 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 55 करोड़ रुपए। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों शुरुआती चार दिनों में भोला फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 68 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, चार दिनों में फिल्म दुनिया भर से 68 करोड़ की कमाई कर रही है। तो चार दिनों में जहां 68 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म पहले हफ्ते में यानी कि 8 दिनों में दुनिया भर से 100 करोड़ का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है भोला फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना रहेगा, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ रुपए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताए और डेली भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।